स्लम से निकलकर करोड़पति बनने वाली कहानियां हमने आज तक सिर्फ मूवीज में देखी है, लेकिन एक फीमेल एंटरप्रेन्योर ने इसे सच करके दिखाया है। और ये कहानी है कल्पना सरोज जी की। सिर्फ 12 साल की एज में कल्पना जी की शादी करके उन्हें मुंबई के स्लम्स में भेजा गया, और इसके बाद अगले 6 महीनों तक उनके फैमिली और उनके हस्बैंड ने उन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया। ये बात जब उनके फादर को पता चली तब उन्हें वापस घर लेकर आए, लेकिन गांव वालों ने कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से 16 साल की एज में उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट की थी। इससे बचने के बाद कल्पना जी को लाइफ की असली वैल्यू पता चली और मुंबई में वो एक गारमेंट शॉप में काम करने लगे। फिर उन्होंने 50,000 का लोन लेकर टेलरिंग एंड फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। 2001 में कमानी क्यूब्स नाम की लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करके उन्होंने अपने बिजनेस स्किल से उसे प्रॉफिटेबल भी बनाया। और तो और 2016 में उन्होंने अपनी खुद की एक फिल्म भी प्रोड्यूस की और रियल एस्टेट बिजनेस भी शुरू किया। इसी स्ट्रगल और बिजनेस माइंडसेट की वजह से उनकी नेटवर्थ आज 900 करोड़ से भी ज्यादा है। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।